Assalamu alaikum, all of you. Welcome, dear students, today's video. Today, we read our chapter number 15 exercise. In previous video, I explained you lesson number 15 Plants Life. Now, we solve our exercise. Question number 1 Tick. Write the correct option. आपको टिक करना है राइट right का करेक्ट ऑप्शन पर और इस फिलिंग द ब्लैंक्स में उसका आंसर भी लिखना है ओके नाउ ए वेरी टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड वेरी टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड बहुत लंबे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं ब्रैकेट टू ऑप्शन शर्ब्स ट्रीज द राइट आंसर इज ट्रीज टी आर डबल ई एस ट्रीज वेरी टॉल यानी बिग वेरी जो बड़े होते हैं उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है ट्रीज और शर्प किसे कहते हैं स्मॉल प्लांट्स स्मॉल प्लांट्स देयर स्टीम एंड ब्रांचेस आर हार्ड छोटे प्लांट जो होते हैं उन्हें शर्फ कहते हैं लेकिन उनकी जो स्टीम है और ब्रांचेस जो है वो कैसी होती है शर्फ की हार्ड होती है पर यहाँ क्वेश्चन क्या है टॉल प्लांट्स मीन्स बिग प्लांट्स तो आंसर क्या आएगा ट्रीज टी आर डबल ई एस ट्रीज और इस ऑप्शन पे ट्रीज वाले ऑप्शन पे ब्रैकेट में आपको राइट right का निशान बनाना है ओके okay? जैसे जो टिक करना है यहाँ ये यह ऐसा वाला जो टिक है ना ये राइट का टिक ये आपको ट्रीज के ऊपर करना है और यहाँ आंसर भी लिखना है ओके देन नेक्स्ट बी स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड आंसर इज शर्ब देखिए हमने अभी बात की ना कि शर्ब किसे कहते हैं स्मॉल और बुशी प्लांट्स को यहाँ ऑप्शन दिए है क्लाइंबर्स और शर्ब्स क्लाइंबर्स रॉन्ग आंसर है शर्ब्स राइट आंसर है इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा शर्ब लिखा और क्लाइंबर किसे कहते हैं क्लाइंबर किसे कहते हैं जिनका स्टीम जो है वो बहुत वीक होता है क्लाइम्बर का स्टीम क्या होता है बहुत वीक होता है और वो बिना सपोर्ट के ऊपर नहीं चढ़ पाती लेकिन ये क्या क्वेश्चन है हमारा स्मॉल बूशी प्लांट्स ये स्मॉल और बुशी प्लांट्स है और इसकी स्टीम कैसी होती है हार्ड होती है इसलिए आंसर इज मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सी वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड वेरी स्मॉल आंसर इज हर्ब्स एच ई आर बी एस हर्ब्स आंसर इज हर्ब्स यहां देखिए ब्रैकेट में दिया है ट्रीज और हर्ब्स ट्रीज तो बिग प्लांट्स को कहते हैं और यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या है वेरी स्मॉल प्लांट जिसकी स्टीम भी क्या होती है बहुत बहुत नाजुक होती है जो हाथ से भी टूट जाती है ओके तो आंसर क्या आएगा हमारा हर्ब यहाँ आपको हर्ब पे टिक करना है ऐसी वाली टिक हर्ब पे भी करना है आपको पहले क्वेश्चन में ट्रीज पे करना है टिक राइट की दूसरे क्वेश्चन में शेयर पे राइट की टिक थर्ड क्वेश्चन में हर्स पे राइट टिक और लिखना भी है फिल ब्लैंक्स में जैसे हमने लिखा है नाउ मूव ऑन डी प्लांट्स विद वीक स्टीम्स आर कॉल्ड द ब्लैंक्स में हमें लिखना है क्लाइंबर्स रेड कलर का जो लिखा हुआ है वो आंसर है आपका सी एल आई एम बी आर एस क्लाइंबर्स देखिए ब्रैकेट में दिखा दिया गया है यहाँ हर्ब्स और क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स आंसर आएगा प्लांट्स विथ वीक स्टीम आर कॉल्ड बहुत वीक होता है क्लाइंबर की जो स्टीम होती है वो बहुत वीक होती है बिना सपोर्ट के ऊपर नहीं चढ़ सकती ओके okay? आपको यहाँ क्लाइंबर लिखना है और यहाँ राइट का टिक भी लगाना है ओके ई प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड आंसर आएगा प्लिन द ब्लैंक्स है आपका और यहाँ है प्लांट्स कौन से प्लांट जो पानी में उगते हैं आंसर इज वाटर डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर ऑप्शन दिया है देखिए यहाँ ब्रैकेट दिया है वाटर और डेजर्ट हमें किस पर टिक लगाना है वाटर पर डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान रेगिस्तान पता है ना जहाँ सिर्फ रेत होती है वहाँ रेगिस्तान में ज़मीन नहीं होती ब्लैक सॉइल नहीं होती ओनली रेत बालू जिसे कहते हैं जहाँ कैमल होते हैं देखा है आपने कैमल्स दिखते हैं बड़े बड़े वहाँ मिट्टी होती है क्या बहुत रेत होती है रेत के टीले होते हैं ऐसी जगह पे क्या उगते हैं कोई प्लांट? नहीं जो पानी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं वाटर प्लांट यहाँ सिर्फ कैक्टस होते हैं ज्यादातर डेजर्ट्स में और बहुत ही रेयर प्लांट उगते हैं डेजर्ट में बहुत ही कम तो जो पानी में उगता है जो पानी में उगते हैं उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं वाटर प्लांट क्योंकि ये वाटर मीन्स पानी और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान बालू जहां होती है ओके अंडरस्टैंड नाउ वी मूव आवर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू राइट द नेम्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हमें राइट करना है नेम लिखना है नेम्स नाम लिखने ऑफ़ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट प्लांट्स के सभी पार्ट्स के हमें नेम लिखना है जैसे ह्यूमन बींग्स के सभी पार्ट्स के हमने नेम लिखे हमारे हेड आइज नोज माउथ ड स्किन लेग उसी तरह से तो हमने पा, पा जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है उसमें पढ़ चुके हैं ओके okay? तो हमने ए में लिखा फिल इन द ब्लैंक्स में रूट आर डबल ओ टी रूट आर डबल ओ टी रूट रूट मीन्स जड़ देन बी हमने बी लिखा स्टीम एस टी ई एम स्टीम एस टी ई एम स्टीम बैन सी लीफ एल ई एफ लीफ लीफ मीन पत्ते पत्ता एल ई एफ लीफ डी में हमने लिखा बर्ड बी यू डी बर्ड बी यू डी बर्ड का आंसर है फिर इन द ब्लैंक्स में फ्लावर एफ एल ओ ई आर एफ एल ओ ई आर फ्लावर मीन्स फूल एंड एफ फ्रूट एफ आर यू आई टी फ्रूट एफ आर यू आई टी फ्रूट नेम आपको आपकी बुक में यूस की बुक का पेज नंबर सेवेंटी थ्री ईवीएस बुक का पेज नंबर सेवेंटी थ्री पे ये एक्सरसाइज है आपको ये सॉल्व करना है इस वीडियो में से देखकर ओके okay? ए में आएगा रूट मींस जड़ बी में स्टीम तना सी में लीफ पत्ता डी में बर्ड या यापल क्या कहते हैं बर्ड को कापल या कली ओके okay? ई e में फ्लावर फ्ला आर फ्रूट एफ में फ्रूट ओके okay? ये आपको सभी लिखना है जैसे हमने लिखा ओके देन नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन ए वॉट आर ट्रीज क्वेश्चन क्या है वॉट आर ट्रीज ट्रीज क्या है ट्रीज हम किसे कहते हैं आंसर hmm? लिखना है आपको द बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री द बिग द बिग बिग मीन्स बड़े टॉल बिग ये एक ही बात होती है हाँ बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज जो बड़े प्लांट होते हैं जो बिग होते हैं जैसे हमने देखा मैंगो ट्री गुलमोहार कोकोनट ट्री ये सभी क्या है टॉल है बिग है हाँ इनकी स्टीम कैसी होती है बहुत मजबूत होती है ऊटी होती है हार्ड होती है इसलिए उन प्लांट्स को क्या कहते हैं ट्रीज कहते हैं द बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज ये आंसर लिखना है आपको देन बी क्वेश्चन बी व्हाट इज अ ट्रंक व्हाट इज अ ट्रंक अब ट्रंक किसे कहते हैं आंसर द द थिक उडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक द थिक मीन्स मोटी उडी पता है आपको स्टीम तना जो होता है उसका कॉल ट्रंक उसे क्या कहते हैं ट्रंक कहते हैं तना कहते हैं क्वेश्चन नंबर सी वॉट डज नीड टू अट वॉट डज सीड नीड टू ग्रो इन टू अ प्लांट सीड को प्लांट बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? हमने पढ़ा है लेसन में सीट के तीन बेस्ट फ्रेंड होते हैं आपको पता है ना कौन से फ्रेंड से सीट के जो उसको मदद करते हैं सीट से बेबी प्लांट बनने में चलिए आंसर देखते हैं अ सीड नीड थ्री थिंग्स तीन चीजों की उसको ज़रूरत होती है सीड को टू ग्रो इन टू प्लांट बढ़कर प्लांट बनने में फर्स्ट

प्लांट बनने में उसकी मदद होती है वाटर की वजह से हमें भी वाटर की बहुत ज़रूरत होती है विदाउट वाटर हम रह सकते क्या नहीं तो ये कंप्लीट हुआ बच्चों एक्सरसाइज लेसन नंबर फिफ्टीन आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपके बुक में ई की जो पेज नंबर सेवेंटी थ्री है उसमें सॉल्व करना है और आपकी नोटबुक में भी लिखना है और इसे लर्न भी करना है ओके वी मीट आवर नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में हम नए लेसन के साथ मिलते हैं आपसे जब तक के लिए टेक केयर यूएस एल्फ और टेक केयर यूर इन्वायरमेंट अल्लाह हाफिज़